हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। इंजीनियर्स, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जो आपकी कलवर्ट्स होती हैं, जो आपके माइनर ब्रिजेस होते हैं, मल्टी सेल माइनर ब्रिजेस होते हैं, आपके मेजर ब्रिजेस होते हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है। इस डिफरेंस में बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स को कन्फ्यूज़न होता है, स्पेशली जो अभी फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने अभी इस इंडस्ट्री में काम करना स्टार्ट किया, उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो आज इस कन्फ्यूज़न को हम दूर कर रहे होंगे और हम इसको आज टेक्निकली ड्राइंग के थ्रू एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ देखेंगे कि जो आपके कलवर्ट, माइनर ब्रिज और जो आपके मेजर ब्रिज होते हैं, इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो इंजीनियर्स, मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिलिंग इंजीनियर, और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स में आप सभी का रेनफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। इंजीनियर्स, हम बात करें कि जो आपके कलवर्ट्स, माइनर ब्रिज, मल्टी सेल माइनर ब्रिज और जो आपके मेजर ब्रिज होते हैं, उसमें क्या डिफरेंस होता है। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ब्रिज क्या होता है। यदि आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं आपको आज एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर देता हूं और बताता हूं कि आपके ब्रिज क्या होते हैं। जब भी किसी आपका रोड, हाईवे या फिर एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन होता है, तो उसका जो स्ट्रक्चर पार्ट होता है, उसको हम ब्रिज बोलते हैं। अब बेसिकली होता क्या है कि इस तरह से कोई आपका रोड जा रहा है या फिर आपका हाईवे जा रहा है या फिर इस तरह से कोई एक्सप्रेस वे जा रहा है और यहाँ से कोई आपका वाटर स्ट्रीम पास हो जाता है, जैसे आपका रिवर हो गया, कोई कैनाल हो गया या फिर कोई आपका नदी नाला हो गया या फिर यहाँ पे कोई नेचुरल ऑब्स्टिकल्स है, जैसे आपका डीप वैली हो गया, तो उसको क्रॉस करने के लिए जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो क्या कहलाता है, आपका ब्रिज कहलाता है। सिंपल सी बात है, इधर देखिए मैं आपको बताता हूं कि ब्रिज क्या होता है। यहां से कोई आपका रोड, हाईवे या फिर एक्सप्रेस वे जा रहा है और यहां से कोई आपकी वाटर स्ट्रीम पास हो रही है या फिर कोई आपका यहाँ पे नेचुरल ऑब्स्टिकल्स है, तो उसको क्रॉस करने के लिए जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो आपका क्या कहलाता है, ब्रिज कहलाता है। और अब हम बात करते हैं कि ब्रिज में जो आपके कलवर्ट्स होते हैं, जो आपके मल्टी सेल माइनर ब्रिज होते हैं, जो आपके माइनर ब्रिजेस होते हैं और जो मेजर ब्रिज होते हैं, उसमें क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कलवर्ट क्या होता है। कलवर्ट बेसिकली एक टाइप का ब्रिज है, लेकिन क्या होता है, ऐसा ब्रिज जिसका स्पान 6 मीटर है या फिर आपका उससे कम है, तो वो आपका कलवर्ट में कंसिडर किया जाता है। जितने भी आपके हाईवे के प्रोजेक्ट्स होंगे, रोड के प्रोजेक्ट होंगे या फिर एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट होंगे, तो उसमें जो उसका जो नॉमनक्लेचर होगा वो कलवर्ट के नाम से ही रहेगा, यदि उसका स्पान 6 मीटर है या फिर उससे कम है। अब ये स्पान क्या होता है, इधर देखिए मैं आपको स्पान समझाता हूँ। जैसे यहाँ से कोई आपका रोड आ रहा है या फिर यहाँ से कोई आपका हाईवे आ रहा है, तो हमने यहाँ से ब्रिज स्टार्ट किया और यहाँ पे आके ब्रिज खत्म कर दिया और इसके बीच में हमारा कोई वाटर स्ट्रीम पास हो गया, तो जो ये डिस्टेंस है जहाँ से ब्रिज स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे जाके ब्रिज खत्म हो रहा है, वो डिस्टेंस आपका स्पान कहलाती है। और यही स्पान अगर आपका 6 मीटर है या फिर उससे कम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कलवर्ट बोलते हैं। अब देखिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल इमेजेस के थ्रू और प्रैक्टिकल ड्राइंग के थ्रू समझाता हूँ कि आपका जो कलवर्ट होता है वो क्या होता है। ये देखेंगे आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको अभी ये कलवर्ट दिखाई दे रहा होगा और हम इस स्पान की बात कर रहे हैं। ये देखेंगे यहाँ से आपका ये ब्रिज स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जाके खत्म हो गया, तो ये जो स्पान है, ये स्पान अगर आपका 6 मीटर है या फिर आपका इससे कम है, तो ये आपका कलवर्ट में कंसीडर किया जाएगा, इसको हम बोलते हैं आपका स्पान, क्लियर। और ये स्पान आपका 6 मीटर से कम होना चाहिए या फिर आपका 6 मीटर होगा तो आपका ये कलवर्ट में कंसीडर किया जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं कलवर्ट, राइट। और कलवर्ट आपकी कई तरह की हो सकती हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि कितने तरह की आपकी कलवर्ट्स हो सकती हैं, ये देखेंगे आप। अब कलवर्ट्स भी कई टाइप के होते हैं, तो इसमें आप देखेंगे आपको 4 तरह के कलवर्ट देखने को मिलेंगे। मोस्टली आप देखेंगे तो आपका क्या होता है, पाइप कलवर्ट होता है, जिसमें हम लोग ह्यूम पाइप का यूज़ करते हैं। देखेंगे ये हमारा क्या है, पाइप कलवर्ट है जिसमें हम लोग ह्यूम पाइप का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो आपको मोस्टली देखने को मिलेगा, हमारे बॉक्स कलवर्ट होते हैं, ये हमारा बॉक्स कलवर्ट है। इसके बाद आप देखेंगे आपका ये स्लैब कलवर्ट होता है, और कभी कभी, वैसे तो इस समय हम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आप ओल्डन डेज में देखेंगे तो इस तरह से आपके आर्च कलवर्ट भी आते थे। तो मोस्टली आपको ये 4 तरह का कलवर्ट देखने को मिलेगा। अब ये 4 तरह की कलवर्ट होती है, और इन 4 तरह की कलवर्ट में क्या डिफरेंस होता है, इसके लिए मैं आपके लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा कलवर्ट का, जिसमें मैं स्पेशली डिस्कस करूँगा कि जो आपके बॉक्स कलवर्ट होते हैं, स्लैब कलवर्ट होते हैं, आपकी आर्च कलवर्ट होती हैं और आपकी पाइप कलवर्ट होती है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इसको हम टेक्निकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं और किस कलवर्ट को हम कब प्रोवाइड करते हैं, किस केस में प्रोवाइड किया जाता है। और ये अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाएं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए,
तो आने वाले नेक्स्ट सेशन में मैं आपके लिए प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम सिर्फ कलवर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे चलता हूँ, नेक्स्ट मैं आपको ड्रॉइंग में लेके चलता हूँ। मैं आपको ड्रॉइंग के थ्रू दिखाता हूँ कि कलवर्ट को हम क्यों कलवर्ट बोल रहे हैं और उसका जो स्पान है वो 6 मीटर से कम है, इसीलिए हम उसको कलवर्ट बोल रहे हैं। और इसी तरह से जो आपके हाईवे के प्रोजेक्ट्स आते हैं उनकी ड्रॉइंग का नॉर्मल क्लेचर किया जाता है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको एक ड्रॉइंग दिख रहा होगा और इस ड्राइंग में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखेंगे, ये हमारा इस तरह से रोड जा रहा है, ये पूरा रोड जा रहा है इस तरह से, और बीच में हमने ये मीडियन बनाया हुआ है, ये हमारा बीच में मीडियन है इस तरह से, और यहाँ से आपका कोई वाटर स्ट्रीम पास हो रहा है तो उसके लिए हमने ये कलवर्ट बनाया हुआ है। ये देखेंगे, ये हमारा कलवर्ट बना हुआ है, ये कलवर्ट है। और जब आप इस कलवर्ट को सेक्शन में देखेंगे, यहाँ से आप ये सेक्शन सीसी कट करिए, ठीक है ना, तो उसके बाद आप देखिए आपको चीज़ें किस तरह से दिखाई देंगी। ये देखेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको अलग अलग सेक्शन दे रखे हैं, तो इसमें आप देखेंगे तो आपको कलवर्ट का क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा, तो वहाँ पे आप उसकी वृत्त देख पाएंगे। देखेंगे, ये हमारी कलवर्ट का क्रॉस सेक्शन है, ये देखेंगे ये हमारा पूरा कलवर्ट बन रहा है। और ये देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ, अभी ये आपका बॉक्स टाइप, और ये हमारा ब्रेथ है स्ट्रक्चर का। ये देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये स्ट्रक्चर का ब्रेथ है, ये देखेंगे ये, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ए, ये हमारे स्ट्रक्चर की ब्रेथ है। और ये ब्रेथ आप देखेंगे आपकी 6 मीटर से कम होगी तभी हम इसको बॉक्स कलवर्ट बोल रहे हैं। तो ये आप देखेंगे आपको ए दिया हुआ, नेक्स्ट पेज पलटेंगे तो आपको ए मिल जाएगा कि ये हमारा ये ए कितना है। यहाँ पे भी देखेंगे आपको ये सेक्शन दे रखा है और इस कलवर्ट की जो ब्रेथ है वो कितनी है आपकी, ए है। तो ये देखेंगे नीचे आपको प्रॉपर डिटेल इन्होंने दे रखा है, यहाँ पे देखेंगे आपको दे रखा है, ये देखेंगे हमारा स्पान ए, तो स्पान कितना है आप देखेंगे, ये एक स्पान आपका 5 मीटर का है, एक स्पान हमारा 4 मीटर का है, दो अलग अलग कलवर्ट बन रही है, एक कलवर्ट आपकी 420 किलोमीटर 271 मीटर बन रही है और दूसरी कलवर्ट हमारी 421 किलोमीटर 241 मीटर बन रही है। तो 5 मीटर का स्पान है, 4 मीटर का स्पान है, इसलिए तो हम इसको कलवर्ट बोल रहे हैं और इस तरह से इसको जस्टिफाई किया जाता है। ये देखेंगे आपका, तो ये हमारा कलवर्ट है। अभी समझ में आया हम कलवर्ट को क्यों कलवर्ट बोलते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ड्राइंग देंगे, इसका आप नॉर्मल क्लेचर देखिए तो इसमें भी आपको कलवर्ट ही मिलेगा लिखा हुआ। ये देखेंगे ये ड्राइंग का जो मेन टाइटल होता है उसको देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टिपिकल जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग ऑफ बॉक्स कलवर्ट। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे आपके माइनर ब्रिजेस की तरफ, मल्टी सेल माइनर ब्रिजेस की तरफ। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि आपके जो माइनर ब्रिजेस होते हैं वो क्या होते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपके माइनर ब्रिजेस क्या होते हैं और मल्टी सेल माइनर ब्रिजेस क्या होते हैं। तो माइनर ब्रिज क्या होगा, ऐसा ब्रिज जिसका स्पान 6 मीटर से ज्यादा है और आपका 60 मीटर से कम है तो वो आपका माइनर ब्रिज में कंसीडर किया जाएगा। यदि स्पान आपका 60 मीटर भी रहता है तो भी वो आपका माइनर ब्रिज में कंसीडर किया जाएगा। तो ऐसा स्पान जो 6 मीटर से ज़्यादा है और 60 मीटर तक है या फिर आपका 60 मीटर से कम है तो वो आपका माइनर ब्रिज में कंसीडर किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, माइनर ब्रिज बोलते हैं। यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई, आप देखेंगे कि जो आपका माइनर ब्रिज है उसका स्पान आपका 6 मीटर से ज़्यादा होगा और आपका 60 मीटर या फिर 60 मीटर तक होगा तो वो आपका माइनर ब्रिज कंसीडर किया जाएगा। और जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो आपका मल्टी सेल माइनर ब्रिज है। दो तरह के माइनर ब्रिज आपको देखने को मिलते हैं, एक आपके मल्टी सेल माइनर ब्रिज होते हैं और एक आपके गर्डर वाले माइनर ब्रिज होते हैं। मल्टी सेल माइनर ब्रिजेस में आप देखेंगे तो आपको सिंगल सेल का माइनर ब्रिज मिल जाएगा, डबल सेल का माइनर ब्रिज मिल जाएगा और आपको ट्रिपल सेल का भी माइनर ब्रिज मिल जाएगा और 4 सेल के भी माइनर ब्रिजेस होते हैं। तो आप अभी जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो 3 सेल का माइनर ब्रिज है और जो हम स्पान की बात कर रहे हैं वो हम ये स्पान की बात कर रहे हैं। ये देखेंगे यहाँ से आपका ब्रिज स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आके आपका ये ब्रिज खत्म हो गया। तो ये जो स्पान है ये स्पान आपका 6 मीटर से ज़्यादा होगा और ये 60 मीटर से कम होगा तो ये माइनर ब्रिज में आएगा। और इस तरह से हम इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये सेल वाला कंस्ट्रक्शन कहलाती है। देखेंगे हमारा ये सेल है, ये हमारा दूसरा सेल है और ये हमारा तीसरा सेल है, तो ये 3 सेल का माइनर ब्रिज है। इसी तरह से 4 सेल के भी माइनर ब्रिजेस होते हैं, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे, इसी चीज को मैं आपको ड्राइंग के थ्रू दिखाता हूँ। ये देखेंगे मैं आपको ड्राइंग में लेके चलता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि ड्राइंग में किस तरह से आपका माइनर ब्रिज का नॉर्मल क्लेचर होता है। ये देखेंगे एक मल्टी सेल माइनर ब्रिज का ड्राइंग है, तो उसमें आप देखिए, ये देखेंगे इसका आपको ये सेक्शन दे रखा है मल्टी सेल माइनर ब्रिज का, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखेंगे ये पूरा आपका 3 सेल का ब्रिज है, एक सेल आपका ये है, दूसरा सेल आपका ये है और ये आपका ये तीसरा सेल है। तो ये 3 सेल का आपका ये पूरा ब्रिज है। मैं थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूँ ताकि आप इसको थोड़ा सा क्लियर देख पाएं। ये देखेंगे तो ये 3 सेल का आपका ब्रिज है, ये आपका ये पहला सेल है, ये आपका दूसरा सेल है और ये आपका तीसरा सेल है। तो ये 3 सेल का माइनर ब्रिज है, ठीक है ना। और ये देखेंगे ये आपका इसका आपको टोटल स्पान लेंथ भी दिया हुआ है, ये देखेंगे जो कि कितना है आपका 22.5 मीटर। ये देखेंगे
तो ये 22.5 मीटर है और ये 6 मीटर से ज़्यादा है, 60 मीटर से कम है, तब हम इसको माइनर ब्रिज बोल रहे हैं। और माइनर ब्रिज भी कौन सा, मल्टी सेल माइनर ब्रिज। और यहाँ पे आपको देखेंगे तो एक सेल का आपको यहाँ पे वृत्त भी दे रखा है, ये देखेंगे आपका ये ए है, ये भी आपको ए दे रखा है और ये भी ए दे रखा है। तो एक सेल का वृत्त आपका ए है और ये ए आपको इन्होंने कहीं पर प्रॉपर एक टेबल बना के दिया होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखेंगे तो इन्होंने आपको यहाँ पर ए दे रखा है, ये आपको यहाँ पे ये रखा है 7 मीटर का है, एक स्पान आपका 7 मीटर का है, मींस कि आपका जो एक सेल है वो आपका 7 मीटर का है। और इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो ब्रिज है मल्टी सेल माइनर ब्रिज 3x7 का मल्टी सेल माइनर ब्रिज, मतलब जो पहले लिखा होता है वो हमारा सेल होता है और जो बाद में लिखा हुआ है वो एक सेल का ब्रिथ है कि 7 मीटर का एक सेल है, तो आपके 3 सेल आ रहे हैं, तो इस तरह से वो 21 मीटर का आ जाएगा और बाकी कुछ बॉल्स वगैरह आ रही हैं, तो टोटल मिला के आप 22.5 मीटर का मल्टी सेल माइनर ब्रिज है। मैं आपको एक सेल का भी माइनर ब्रिज दिखाता हूँ, आप ये देखेंगे, मैं आपको एक सेल का माइनर ब्रिज दिखाता हूँ, ये देखेंगे आप, ये हमारा सिंगल सेल का माइनर ब्रिज है, ये देखेंगे, और ये आपका स्क्यू ब्रिज है, ये देखेंगे इस तरह से हमारा, ये आपका कोई रोड जा रहा है, ये देखेंगे इस तरह से हमारा रोड जा रहा है और ये हमारा इस तरह से कोई वाटर स्ट्रीम पास हो रही है, ये देखो ये हमारा वाटर स्ट्रीम पास हो रहा है, ये हमारा वाटर स्ट्रीम पास हो रहा है। तो ये आपका क्या है, स्क्यू माइनर ब्रिज है, वो भी एक सेल का, ये देखेंगे ये जो हमारा ब्रिज है वो आपका 34 डिग्री पे स्क्यू है, मतलब थोड़ा सा जो आपका अलाइनमेंट है उससे टेढ़ा है। अब मैं आपको इसकी ब्रिथ दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा, ये देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर ब्रिथ दिया हुआ, ये देखेंगे ये हमारा क्या है, एक सेल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक सेल है उसका ब्रेथ आपको कितना दे रखा है, जो नॉर्मल ब्रेथ है वो आपकी 6633 मिलीमीटर है, मतलब आपका 6.6 मीटर। तो स्क्यू में इसका जो लेंथ दे रखा है वो हमारा कितना है, आपका 8 मीटर है, और ये सब क्या है आपका 6 मीटर से ज्यादा है और 60 मीटर से कम है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, माइनर ब्रिज बोल रहे हैं। तो मैं इसका नॉर्मल क्लेचर आपको दिखाता हूँ, ये देखेंगे ये आपको देखने में भले ही कलवर्ट जैसा लग रहा है लेकिन ये है कलवर्ट नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये देखेंगे इसका नॉमन क्लेचर, देखिए मैं आपको ब्रिज का नॉमन क्लेचर दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको ब्रिज का नॉमन क्लेचर दिया हुआ है, ये देखेंगे टाइटल में जनरल अरेंजमेंट डिटेल्स ऑफ माइनर ब्रिज एट चाइनीज दिसमन 1:8 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका 1 पहले लिखा हुआ है तो इसका क्या है, आपका एक सेल का माइनर ब्रिज है और इसका स्पान कितना है 8 मीटर का है। तो ये आपका सिंगल सेल का माइनर ब्रिज होता है, इसी तरह से डबल सेल के भी माइनर ब्रिज होते हैं, ट्रिपल सेल के भी होते हैं, 4 सेल के भी माइनर ब्रिज देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ गर्डर वाले माइनर ब्रिज की तरफ, ये देखेंगे मैं आपको सीधा ड्राइंग में लेके चलता हूँ, ये देखेंगे ये हमारे गर्डर वाले माइनर ब्रिजेस हैं, इसको भी हम माइनर ब्रिजेस बोल रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक ब्रिज का पूरा इन्होंने एल सेक्शन दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको यहाँ पे इन्होंने अबटमेंट दिए हुए हैं और यहाँ पे भी आपको ये अबटमेंट वगैरह दिया हुआ है, और बीच में देखेंगे तो ये हमारा पूरा ये आपका ब्रिज का स्पान है और ये हमारा पूरा एक सिंगल गर्डर आ रहा है, और कौन सा गर्डर है ये देखेंगे, प्री कास्ट आपका प्री टेंशन गर्डर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप स्पान देख सकते हैं, इसको हम स्पान बोल रहे हैं, यहाँ से आपका ब्रिज स्टार्ट होगा और यहाँ पे जाके आपका ब्रिज खत्म हो जाएगा। तो ये आपका स्पान है, ये देखेंगे ये हमारा स्पान है, और ये कितने का है, ये स्पान अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो ये आपको 32,889 का है, मतलब 32.889 मीटर का है, और स्क्यू में देखेंगे तो थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाती है, ये 35 मीटर का है, तो ये आपका 6 मीटर से ज्यादा है, 60 मीटर से कम है, तो ये भी आपका माइनर ब्रिज में कंसीडर किया जाएगा। मैं आपको इसका नॉमन क्लेचर दिखाता हूँ जहाँ पे आपको इसका नाम दिया रहता है, ये देखेंगे आप, ये भी स्क्यू है। अगर आप चाहते हैं कि जो स्क्यू ब्रिजेस होते हैं उसका हम एनालिसिस कैसे करते हैं, एक ब्रिज की स्क्यू लेंथ कैसे निकाली जाती है एंगल का यूज़ करके, तो वो भी हम आपको बता रहे होंगे। बस थोड़ा सा आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दिखाइए और इस वीडियो को लाइक करिए तो आपको चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो थोड़ा सा हमारा हौसला बढ़ रहा होता है और हम आपके लिए अच्छा कॉन्टेंट बना रहे होते हैं। ये देखेंगे इसका आप अरेंजमेंट डिटेल पढ़िए क्या लिखा हुआ है, ये देखेंगे जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग्स स्पान 1:35 मीटर फॉर माइनर ब्रिज एट प्रपोज चाइनीज दिस वन। तो ये आपका माइनर ब्रिज है और यहाँ पे लिखा हुआ है स्पान, देखेंगे एक स्पान है केवल 35 मीटर का। तो ये आपका यहाँ पे प्री कास्ट हम लोग गर्डर यूज कर रहे हैं, वो भी आपका प्री टेंशन वाला। तो ये भी हमारा माइनर ब्रिजेस है। इसके अलावा मैं आपको और दिखाता हूँ, अलग अलग माइनर ब्रिजेस दिखाता हूँ, ये देखेंगे आप, इसको देखिए ये आपका 60 मीटर का है, फिर भी हम इसको माइनर ब्रिज बोल रहे हैं। जब हम 60 मीटर से ऊपर जाएंगे तो फिर वो आपके मेजर ब्रिज में कंसीडर किए जाएंगे। ये देखेंगे ये हमें एक और ब्रिज का, हमारे पास एक एल सेक्शन है जहाँ पे आपको पूरा ब्रिज का नज़ारा दिखाई देगा, ये देखेंगे
और ये पाइल के ऊपर हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। तो ये देखेंगे ये ब्रिज आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये देखेंगे इस ब्रिज को हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और ये ब्रिज आपका यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका ये अवर्टमेंट वगैरह बाकी डिटेल्स ये बने हुए हैं, ठीक है ना। तो आप ये स्पान देखिए, इसमें हम लोग दो स्पान यूज़ कर रहे हैं, एक ये आपका पहला स्पान है और ये आपका ये दूसरा स्पान है। तो जो आपका फर्स्ट स्पान है वो आपका 30 मीटर का है और जो आपका सेकंड स्पान है वो भी आपका 30 मीटर का है। तो ब्रिज के स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, आपकी 60 मीटर हो जाएगी। और ये भी आपका माइनर ब्रिज में कंसीडर किया जाएगा। मैं आपका इसका नॉमनक्लेचर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर प्रॉपर टाइटल में लिखा हुआ है जनरल अरेंजमेंट ड्रॉइंग ऑफ माइनर ब्रिज, जिसको आप MNB के नाम से भी जानते हैं, एट चेन इज दिस वन। तो ये भी आपका माइनर ब्रिज है। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा ना कि ऐसा ब्रिज जिसका स्पान स्टार्टिंग टू एंड 6 मीटर से ज्यादा है और 60 मीटर या फिर 60 मीटर से कम है तो वो आपका माइनर ब्रिज में कंसीडर किया जाता है। आगे चलते हैं, अब मैं आपको ले जाता हूं मेजर ब्रिज की तरफ। मेजर ब्रिज क्या होते हैं? ऐसा ब्रिज जिसका स्पान 60 मीटर से ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेजर ब्रिज बोलते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है मेजर ब्रिज। यदि आपका स्पान 60 मीटर से ज्यादा है तो आपका मेजर ब्रिज में कंसीडर किया जाएगा। और हम इस स्पान की बात करते हैं, देखेंगे ये ब्रिज आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जाके आपका ये ब्रिज खत्म हो गया है। तो आप इस स्पान को देखिए, ये वाला स्पान, ये स्पान यदि आपका 60 मीटर से ज़्यादा होगा तो हम इसको मेजर ब्रिज बोलेंगे और इसको MJB के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो ब्रिजेस होते हैं वो आपके गर्डर वाले ही ब्रिजेस होते हैं, या तो हम इसमें RCC का गर्डर यूज़ कर रहे होते हैं या फिर हम PSC गर्डर यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैं आपको ड्राइंग में लेके चलता हूँ और इसका भी मैं आपको एक एक्सपोजर देता हूँ। ये आप देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखेंगे हमारे पास एक और ड्राइंग है और इस ड्राइंग में आप देखेंगे तो आपको ब्रिज का एक एल सेक्शन दिखाई दे रहा है। और इस एल सेक्शन मतलब आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, तो उसमें आप देख सकते हैं कि इसका स्पान कितना है और किस तरह से चीज़ें हैं। तो ये हमें पूरा ब्रिज का डिटेल दे रखा है। यहाँ से ब्रिज आपका स्टार्ट होता है, जहाँ पर ब्रिज स्टार्ट होता है उसको अवर्टमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? अवर्टमेंट A1 दे रखा है और जहाँ पे ब्रिज खत्म होता है वहाँ पे आपका अवर्टमेंट A2 आता है। तो ये आपका अवर्टमेंट A2 है और इसके बीच का आप स्पान देखिए, ये देखेंगे ये हमारा स्पान लेंथ है जो कि आपको कितना दे रखा है? 105 मीटर दे रखा है। तो ये 105 मीटर का ब्रिज है, मतलब 60 मीटर से ज़्यादा है तो ये आपका मेजर ब्रिज में कंसिडर किया जाएगा। और इस 105 मीटर में आप केवल आपके तीन स्पान आ रहे हैं, केवल तीन स्पान। ये देखेंगे 35-35 मीटर के हम तीन स्पान दे रहे हैं। ये पहला स्पान है 35 मीटर का और ये हमारा दूसरा स्पान है और ये हमारा तीसरा स्पान है। तो जो ओवरऑल लेंथ है ब्रिज के स्टार्टिंग टू एंड वो आपकी 60 मीटर से ज़्यादा है, 105 मीटर की है, तो आपका ये मेजर ब्रिज में कंसीडर किया जा रहा है। और इसमें हम लोग आप देखेंगे तो तीन आपको स्पान दिखाई देंगे 35-35 मीटर के। तो ये हमारा मेजर ब्रिज में कंसीडर किया जाएगा। मैं आपको इसके नॉमन क्लेचर में भी लेकर चलता हूँ जहाँ पर आपको ये दिखाता है नाम वगैरह प्रॉपर। तो जो आपके हाईवे के प्रोजेक्ट्स आते हैं, एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट्स आते हैं, जो आपके रोड के प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो उसमें जो आपका स्ट्रक्चर का डिटेलिंग किया जाता है कि कौन सा स्ट्रक्चर आपका माइनर ब्रिज होगा, कौन सा स्ट्रक्चर मेजर ब्रिज होगा, कौन सा स्ट्रक्चर कलवर्ट होगा, वो इस तरह से किया जाता है। एक हाईवे के प्रोजेक्ट में पूरा एक स्ट्रक्चर का डिटेल बनता है कि किस चैनेज पे कौन सा स्ट्रक्चर आने वाला है, तो उसी को हम इसी तरह से क्लासिफाई करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे हमने प्रॉपर तरह से मैंशन किया हुआ है। ये देखेंगे जनरल अरेंजमेंट ड्रॉइंग स्पान 3x35 मीटर फॉर मेजर ब्रिज एट प्रपोज्ड चैनेज। तो देखेंगे जो हमारा ये चैनेज है 212 किलोमीटर 758 मीटर, तो यहाँ पे आपका मेजर ब्रिज बन रहा है। और ये मेजर क्या, तीन स्पान में बनेगा और एक स्पान आपका 35 मीटर का है। तो ये आपका मेजर ब्रिज है। मैं आपको एक ब्रिज और दिखाता हूँ और ये आपने बहुत बार हमारे ड्राॅइंग्स में देखा भी होगा। ये देखेंगे एक ब्रिज आपका ये है, ये भी हमारा मेजर ब्रिज है। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखेंगे इस ब्रिज का जो एक स्पान है वो आपका 12 मीटर का दिख रहा है, मतलब वन अवर्टमेंट टू आपका अनदर पियर। ये देखेंगे यहाँ से ब्रिज स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे आपका अवर्टमेंट A1 होता है वहाँ से ब्रिज स्टार्ट होता है और फिर ये आपका पियर P1 है। तो ये आपका जो एक स्पान है वो आपको 12 मीटर का दिया हुआ है। और इस तरह से आप देखेंगे तो इस ब्रिज में आपको 7 स्पान मिलेंगे और जब 12 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 84 आएगा, जो कि 60 मीटर से ज़्यादा है और ये आपका ये मेजर ब्रिज में कंसिडर किया जाएगा। ये देखेंगे अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका अवर्टमेंट A1 है और ये आपका अवर्टमेंट A2 है। तो जहाँ से ब्रिज स्टार्ट होता है वहाँ पे अवर्टमेंट A1 आता है, जहाँ पे ब्रिज खत्म होता है वहाँ पे अवर्टमेंट A2 आता है। बीच में ये हमारे पियर्स हैं, अलग अलग आपको पियर्स दे रखे हैं, P1, P2, P3, P4, P5 और P6। तो इसका जो एक स्पान है वो आपका 12 मीटर का है। और इस तरह से इसमें कितने स्पान आ रहे हैं?
आपके 7 स्पान आ रहे हैं, तो ओवरऑल आप लेंथ देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 7 ये आपका 84 मीटर हो जाएगा, जो कि आपका 60 मीटर से ज़्यादा है। तो ये हमारा मेजर ब्रिज में कंसीडर किया जाएगा। अब मैं आपको इसके नॉमन क्लेचर में लेके जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वाइडनिंग एग्जिस्टिंग मेजर ब्रिज 8 किलोमीटर दिस पर। तो ये हमारा क्या है, मेजर ब्रिज है। क्यों है? क्योंकि 60 मीटर से ज़्यादा है। तो अब आप समझ सकते हैं इतनी मेहनत करने के बाद जो कि मैंने आप लोगों के लिए की है, कि एक माइनर ब्रिज, एक मेजर ब्रिज, मल्टी सेल माइनर ब्रिज और आपके कलवर्ट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने आपको प्रैक्टिकल इमेजेस के साथ, ड्राइंग के साथ एक पूरा एक्सपोजर दिया है। और इसी तरह से जो हमारे हाईवे और एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट आते हैं उसमें आपका जो स्ट्रक्चर है उसकी डिटेलिंग की जाती है। इंजीनियर्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह से आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।